व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर लूप की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम जाते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो फॉर लूप का जो गाइस स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो इस तरीके से है, बहुत शॉर्ट है, सिर्फ टू लाइंस में इसको ही कवर किया गया है, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि हम वेरिएबल को अलग से डिफाइन करते थे, फिर कंडीशन लगाते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करते थे, ठीक है। तो वो लंबा चौड़ा कोड यानी कि 4 लाइंस का 5 लाइंस का कोड बन जाता था हमारा, ठीक है। लेकिन फॉर लूप में ऐसे नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल को हम इसमें ही डिफाइन करते हैं, और जो कंडीशन होती है कि जो भी कंडीशन वो भी इसके अंदर ही आएगी, और इंक्रीमेंट भी इसमें ही आता है। तो इन शॉर्ट हम अब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं इसका जो एस्टिमेट स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर जो एक स्क्रिप्ट का जो फाइल है वो एडअप करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा रिसोर्स इन्फो डॉट जेएस, ओके सेव, ठीक है। और यहाँ पर गाइज अब मैं फॉर लूप का स्ट्रक्चर दिखाऊँ आपको, तो ये है हमारे पास फॉर लूप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ 10, ठीक है, या लेस देन एंड इक्वल 10, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है वो कोड आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये इसी में ही हमने डिफाइन करना है, ओके। एंड आई इज इक्वल टू 0। अब आई की वैल्यू क्या है, मैं रखता हूँ यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल हमारा क्या है आई, और उसके अंदर क्या है 1। क्या आई ये कंडीशन चेक हो रही है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 नंबर्स को पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और आई, और प्लस जो है यहाँ पर ब्रेक टैग एडअप करता हूँ, ओके सेव, और यहाँ सेमी कॉलन, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँ तो ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ओके। तो ये देखिए 10 नंबर जो है मैंने कितनी जल्दी प्रिंट कर ली, ओके। तो ये सब कुछ है गाइज, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हम अगर आप इसकी वर्किंग देखनी है कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आपने एक डीबगर के नाम से कीवर्ड है, वो आपने यहाँ पर लिखना है, टाइप करना है, ठीक है। और आपने जाना ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, आपने जाना है कंसोल में, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको रिफ्रेश कर देना है, ओके। तो रिफ्रेश करने के बाद गाइज यहाँ पर देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। अगर गाइज यहाँ देखें, अगर मैं इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये आपको वर्किंग बताएगा कि हमारा जो फॉर लूप है वो कैसे वर्क कर रहा है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखें, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ओके, ये चेक कर रहा है 1। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ फिर ये चेक करेगा कि आई, ये जो आई है ये लेस देन और इक्वल टू, अब आई के अंदर क्या पड़ा हुआ गाइस, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 1 पड़ा हुआ है, ओके। क्या ये लेस देन है 10 के और इक्वल है 10 के, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो फिर ये क्या करेगा, एक प्रिंट कर देगा 1 को प्रिंट कर देगा। अभी अगर मैं यहाँ पर अगर आई पे लेके जाऊँ, अगर ये देखिए प्रिंट करवाता हूँ तो ये अब इस पे आ गया आई 1। अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें एक जो है वो प्रिंट हो गया आपके पास। अब ये क्या किया है, अब ये लूप, ये जो आई है आई में क्या है 1 है, तो वो 1 जाएगा आपके इस आई के पास, ठीक है। तो ये आई में एक एडअप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो अब आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आपको वहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, जी कंडीशन 2 है। इस तरीके से फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 2 को। अब ये दोबारा यहाँ पर, अब ये इसमें क्या हुआ 2, तो 2 के अंदर इंक्रीमेंट होगा 1 का, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो अब आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अब आई के अंदर 3 पड़ा हुआ है। क्या 3 लेस देन इक्वल टू है, जो कंडीशन ट्रू है हमारी। इस तरीके से ये वर्क करता जाएगा बार बार, जब तक हमारी जो कंडीशन है वो फास्ट नहीं हो, ये वर्क करता जाएगा, ओके ठीक है।
तो अब ये 6, तो ये इसने कंप्लीट कर दिया, 10 तक वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो गाइज आपको पता लगा कि फॉर लूप जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप टेबल्स भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो है, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर यहाँ पर गाइस मैं 2 का टेबल क्रिएट करूँ, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 2 2, और यहाँ पर जो है मैं प्लस, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, स्टेरिक यूज़ करूँगा। ठीक है, और प्लस, और फिर यहाँ पर जो है स्ट्रिंग, यहाँ पर सॉरी आई हम लिखेंगे, क्योंकि आई के अंदर क्या पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ है। ओके, और उसके बाद फिर प्लस, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर हम इज इक्वल टू स्पेस। ओके, और उसके बाद जो है प्लस, और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट्स, और यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, आई को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ सेव। ठीक है, और यहाँ पर जो हम ब्रेक भी एडअप कर देते हैं, प्लस, और यहाँ पर ब्रेक सेव। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर 2 का टेबल इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि 2 का टेबल जो है वर्क कैसे कर रहा है, आपने आना कंसोल पे और इसको करना है रिफ्रेश। ठीक है, तो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये रिफ्रेश होने के बाद अब आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट करेंगे, तो पहले आई के अंदर 1 पड़ा हुआ था, चेक हुआ कंडीशन कि हाँ भी सही है, तो फिर इसने आना है यहाँ पर, और फिर इसने पहला कंडीशन जो है वो यानी कि 2 1 2। ओके, यानी कि यहाँ पर 1 देखा उसने, इसको मल्टीप्लाई किया और ये इसने इसको प्रिंट करवा दिया। ओके, इस तरीके से फिर दोबारा वहाँ पर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर वहाँ पर, अब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, आई के अंदर क्या है हमारे पास, अभी 2 पड़ा हुआ है, इंक्रीमेंट होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से लूप चलता जाएगा और पूरा जो 2 का टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये था हमारे पास का फॉर लूप। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।